हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। तो आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में ये पार्ट करेंगे, विच इज़ पार्ट नंबर 11। एंड अगर आपने पहले के जो 10 पार्ट अपलोड किए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CDS एग्जामिनेशन। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, दिस इज रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक फॉरेन गवर्नमेंट जो है इंडियन सिटीजन को बेसिकली ये ऑफर कर रही है। ओके, सो ये किसको मिला है? दिस हैज बीन अवार्डेड टू थंगजाम धवाली सिंह, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड फाउंडर ऑफ मणिपुर टूरिज्म फोरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर फोकस करेंगे, विच इज थंगजाम धवाली सिंह। ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड फाउंडर ऑफ द मणिपुर टूरिज्म फोरम। So he has been awarded and conferred basically the order of rising sun gold and silver rays by the Japan government। तो इसमें कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? पहली बात कि किसको मिला है, थंगजाम धवाली सिंह। Secondly, कौन सी गवर्नमेंट देती है, दिस इज गिवन बाय जापान गवर्नमेंट। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड देती है? सो बेसिकली इट इज गिवन टू पर्सन विद अचीवमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, वेलफेयर और अचीवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये तीन चीज़ें कि किस कौन किसको दिया गया, कौन देता है और किस लिए दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। सो ये तीन चीज़ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग द 61st कैवलरी। नाउ 61st कैवलरी काफ़ी टाइम न्यूज़ में था एंड दिस वॉज ओनली इन न्यूज़ बिकॉज इंडियन आर्मी जो है इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट बेसिकली इट द ओनली सर्विंग कैवलरी, ठीक है, इनटू अ रेगुलर आर्मर्ड रेजिमेंट विद टैंक कॉम्बैट फोर्स। तो इसलिए इसमें काफ़ी एक जो है क्वेश्चन अब पुटअप हुआ था कि क्योंकि ये सिर्फ ओनली हॉर्स सर्विंग कैवलरी है तो इसको जो चेंज किया जा रहा है, हमारी जो एक कल्चर थी, ट्रेडिशन जो चले आ रहा था इतने इस टाइम से, ये इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क पुटअप हो रहा था काफ़ी। खैर, बट इंडियन आर्मी हैज टेकन दिस डिसीजन टू चेंज इट इनटू अ रेगुलर आर्मर्ड रेजिमेंट विद टैंक कॉम्बैट फोर्स एंड इट वॉज बेसिकली रेज इन 1953 and it was raised by amalgamating the horse mounted cavalry units in the princely state of India। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दिस इज अ हॉर्स रेजिमेंट, ठीक है, 61st कैवलरी ऑफ ऑब्वियसली हॉर्स यूज करते हैं, हॉर्स कैमल्स में, तो जो भी है। नाउ मूविंग ऑन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर नवरक्षक। सो ये भी काफ़ी टाइम न्यूज़ में था, PPE किट के रिगार्डिंग, क्योंकि कोविड काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था तो इसमें क्या किया था, हमारी जो इंडियन नेवी है इट बेसिकली फॉर्म नवरक्षण PPE किट विद इनोवेटिव ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स। तो आपको पता है कि ये जैसा ये आप देख सकते हैं इमेज में PPE किट है ना, पूरा आपको ऊपर से टॉप टू बॉटम आपको पूरा एक सूट में जो है ढक दिया जाता है एंड इट इज़ यू नो वेरी आपको अंदर से बहुत सफोकेशन टाइप भी होता है। सो दैट इज़ वाई दे मेड दिस टू प्रोवाइड कम्फर्ट बेसिकली एंड दिस वॉज मेड बाई सर्जन लेफ्टिनेंट कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष। तो नाम ठीक है, आप याद रख सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी ने भी इस वीकली बनाया और नवरक्षक टर्म इज रिलेटेड टू PPE किट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग द फ्लाइंग बुलेट्स, क्योंकि जो हमारी राफेल और तेजस थी, ये दोनों एयरक्राफ्ट काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी और तेजस का तो हम खुद का जो क्योंकि इंडिजिनसली बना रहे तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्लाइंग बुलेट्स इज रिलेटेड बेसिकली टू दैट थिंग ओनली। तो लेट अस सी कि है क्या ये। नाउ दिस इज द नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड इट इज ऑल सेट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्क्वाड्रन, तो दिस इज नंबर 18 स्क्वाड्रन। तो आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि फ्लाइंग बुलेट्स बेसिकली कौन सी स्क्वाड्रन है या नंबर 18 स्क्वाड्रन को क्या बोला जाता है एंड विच एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन सी एयरक्राफ्ट है। दिस इज तेजस विच इज़ द इंडिजिनस LCA एंड इट विल बी द सेकेंड इन दिस टू बी द सेकेंड द स्क्वाड्रन विच विल फ्लाई द LCA। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये दिस वुड बी द सेकेंड वन। ठीक है, यहाँ पे तो पहला आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि पहला स्क्वाड्रन कौन सा है जो तेजस जिसके पास है। ठीक है, सेकेंड तो मैंने आपको खैर बता दिया। नाउ मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट UNSC अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज सेट टू बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर एट द UNSC इन 2021 एंड बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबर्स
कितना टाइम होल्ड करते हैं बेसिकली सीट, इट इज़ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एंड लाइक टू बिकम इट, एलिजिबिलिटी शुड बी, इट शुड गेन कॉन्फिडेंस ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स। एंड टी एस मूर्ति इज टू सक्सीड सैयद अकबरुद्दीन एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी जो थे सैयद अकबरुद्दीन थे, तो इनको रिप्लेस करेंगे टी एस श्रीमूर्ति। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्री है। तो दिस इज इंडिया विच विल बी नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021। नाउ वी टॉक अबाउट समुद्र सेतु। तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू COVID-19 ओनली, क्योंकि जो हमारा 2020 ईयर रहा था वो ईयर ऑफ कोविड ही रहा है। सो समुद्र सेतु क्या था? बेसिकली दिस वॉज एन ऑपरेशन विच वॉज लॉन्च बाई इंडियन नेवी। अगेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऑपरेशन के ऊपर, कि कौन सी ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, कौन सी फोर्सेस से रिलेटेड है, किसको हमने हेल्प किया था, कौन सी शिप्स गई थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं CAPF में भी। सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड इन द मालदीव्स ड्यू टू COVID-19। अब तो इसमें क्या है कि मालदीव्स को हमने जो है हेल्पिंग हैंड दिया है, यहाँ पे जो इंडियन स्ट्रैंडेड थे इंडियन नेशनल उनको वापस ले आना, है ना। एंड कौन कौन सी शिप गई थी? तो INS जलश्व और INS मगर, तो ये गई थी माले द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में टू टेक द नेशनल इंडियन नेशनल्स बैक टू दे होम, ठीक है। सो दिस इज यू कैन सी द इमेज आउट हेयर, दे हैव फॉर्म्ड अ ह्यूमन दिस थिंग, थैंक यू इन द फॉर्म ऑफ, सो दिस इज इंडियन नेवी। नाउ मूविंग ऑन, सो दिस कंट्री हैज बेसिकली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी एंड दिस इज नन अदर देन ईरान। सो बेसिकली ईरान की अभी तक करेंसी का नाम क्या था? इट वॉज रियाल, बट इट हैज चेंज इट टू तोमान। ओके, सो आपको नया जो नया नाम है उसको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा है, तोमान है इसका नाम। एंड ईरान हैज बेसिकली इट चेंज्ड, सो ईरानियन लॉ मेकर्स वोटेड टू अप्रूव एन अमेंडमेंट टू ईरान मॉनिटरी एंड बैंकिंग एक्ट, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी। एंड तोमान द न्यू करेंसी विज इट इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। ओके, सो बेसिकली ये मूव किया क्यों गया था? दिस मूव फॉलोज अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ रियाल एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिपलिंग US सैंक्शंस। तो ईरान आपको पता होगा कि US सैंक्शंस के अंडर में था, एंड काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस जब पुटअप होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी इट टेक्स अ टोल, तो उसके चलते क्या हुआ था, इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। एंड दैट इज़ वाई ईरान केम अप विद अ न्यू करेंसी विच इज़ नोन एज अ तोमान, राइट। सो नाउ दिस इज रिगार्डिंग आर्टेमिस। सो वॉट इज आर्टेमिस? अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक प्रोग्राम विच इज़ बींग लॉन्च बाय नासा, विच विल बेसिकली लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाय 2024। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मैन नील आर्मस्ट्रांग थे, बट द फर्स्ट वुमेन विच विल बी अ ग्रेट फीट एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाई 2024, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। सो यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स, सो दिस इज द फोटो बेसिकली विच आई हैव टेकन फ्रॉम द नासा वेबसाइट, ठीक है। आर्टेमिस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ वी टॉक अबाउट अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। नाउ अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम है, एक वर्ल्ड कप है, विच इज़ अगेन कोई भी स्पोर्ट हो अगर वर्ल्ड कप उससे रिलेटेड है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस ईयर इसमें क्या होगा कि जो हमारा वुमेन्स का अंडर 17 वर्ल्ड कप है, इट इज़ गोइंग टू बी इन इंडिया, विच वॉज पोस्टपोन टू 2021 ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एंड वॉज कैंसल बाय वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कोविड के चलते ये हमें ऑफकोर्स पोस्टपोन करना पड़ा। एंड जो नया वाला एडिशन होगा ये कब होगा? 2022 एडिशन। तो इंडिया हैज़ गॉट द होस्टिंग राइट्स, सो ऑफकोर्स इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ इट एंड द डिसीजन वॉज टेकन बाय द ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल। सो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो फीफा है गवर्निंग बॉडी, तो ये फीफा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है? फीफा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में मुझे आप इतना सा लिख के बताइए, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, वाइजा गैस ट्रेजेडी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, आपने पढ़ा भी होगा। सो बेसिकली ऑल्सो नोन एज यू नो विशाखापट्टनम गैस लीक। सो इसमें क्या हुआ था, जो स्टाइरीन गैस है ना, ये स्टाइरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ये बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के चलते लीक हो गई थी, है ना। एंड बेसिकली
काफ़ी लोगों की वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग उसका मृत्यु डेथ हुए थे एंड सो दैट इज़ वाई इट इज़ इट वॉज इन न्यूज़। ठीक है, सो इससे पहले भी एक ऐसा एक केस हुआ था भोपाल में, आपने अगर आपको पता होगा है ना, भोपाल में जहाँ पे क्या हुआ था, MIC गैस लीक हुई थी, मीथिल आइसोसाइनाइड गैस, एंड काफ़ी लोगों की यहाँ पे एक्चुअली जाने चली गई थी। ठीक है, एंड उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक एक्चुअली उसका इफेक्ट रहा शहर पे। सो दिस इज अगेन ऑफ दैट सॉर्ट ओनली। सो स्टायरीन बेसिकली इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज आइडेंटिफाइड एज न्यूरोटॉक्सिन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विनाइल बेंजिन और इथिल बेंजिन और फिनिल बेंजिन, ईदर ऑफ दम। ठीक है, एंड इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली, दैट इज वाई दैट थिंग हैपन्ड। एंड ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे हुई। स्टाइरीन का बेसिकली केमिकल कंपाउंड थोड़ा सा फॉर्मूला आप देख लेना क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सा भी देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड मे भी आपको पूछा जा सकता है भोपाल से, भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। राइट, सो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस पार्ट फॉर पार्ट नंबर 11। आई विल बी सून ब्रिंगिंग आउट द पार्ट नंबर 12 विच विल बी अगेन कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर CDS एग्जामिनेशन। और ये लास्ट के दिन कुछ बचे हुए हैं अभी आपके पास, ऑलमोस्ट अराउंड अ मंथ ही बचा हुआ है, सो आप अपना जी जान लगा दीजिए एंड यू हैव टू क्लियर दिस टाइम। ठीक है, बिकॉज यू नीड टू अचीव योर ड्रीम्स, और अगर आपको अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क। सो ऑन दैट नोट आई विल बिड यू गुड बाय एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।